नमस्कार, मैं विनोद वैष्णव और आप देख रहे हैं News 24 TV एवं पॉजिटिव न्यूज। आज आपके सामने जो तिरंगा हाथ में लिए बैठे हुए हैं बुजुर्ग, ये गांव बदौरा हैं और वहां के सरपंच है जयविंदर, उनके साथ बुजुर्ग बैठे हुए हैं और सभी के हाथों में तिरंगा है। अब इनसे हम जान लेते हैं कि इनके गाँव की क्या स्थिति है। तिरंगा हर घर तिरंगा का जो यात्रा है, हर तिरंगा जो बात करते हैं मोदी जी और खट्टर साहब, क्या प्रारूप होगा और कहाँ तक तिरंगा की बात इनके गाँव तक पहुँची। पहले सरपंच साहब से पूछे थे, सर हर घर तिरंगा की बात करते हैं मोदी जी, आपके गांव में क्या कुछ खास है? जी नमस्कार, हमारे गांव में बहुत उत्साह है 15 अगस्त को लेके, स्वतंत्रता दिवस को लेके, और हर घर झंडा हमें फहराना चाहिए। हमारे राष्ट्र का प्रतीक है, हमारा सम्मान है तिरंगा, और घर घर हम झंडा लगवा रहे हैं। तो आप जो हर गांव के हर व्यक्ति तक जो झंडा देने की बात कर रहे हैं, वो निःशुल्क है या सभी से पैसे लिए जा रहे हैं कुछ? नहीं, हम तो निःशुल्क भेज रहे हैं सबके पास। अच्छा, एक सवाल चलिए आपसे, आप और लोगों से पूछ लेते हैं कि जो डिपो धारकों के द्वारा 25 रुपये का जो झंडा बेचने की बात कही जा रही है कि 20 रुपये में झंडा, डंडा सहित 25 रुपये में, क्या मानते हैं? बिल्कुल ये गलत है जी, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये तो एक मान और सम्मान का हमारे देश का प्रतीक है जो है, इसका इसमें भी अगर हम पैसे वाली बात करेंगे तो हमसे ज़्यादा और गलत आदमी कौन होगा। घर घर में पहुँचा रहे सरपंच के माध्यम से, सरपंच हमारे साथ है और घर घर में हम झंडा दे रहे हैं और उसको लहरा रहे हैं और देश की हंसी खुशी और अच्छा त्यौहार मना रहे हैं। आप लोग कोई कहना चाहेंगे झंडा वाले, कोई बात बताएं? कोई क्या कहनी है, चलिए देखिए आप सभी जुड़ रहे हैं और कोई आप में से बताना चाहें। अच्छा सरपंच साहब, आपके गाँव में कितने घर हैं लगभग और कहाँ तक रीच हो चुके, मतलब कहाँ तक झंडा पहुँचवाए जा चुके हैं? ये हमारे गाँव में लगभग 700 घर के आसपास है और लगभग करीबन 600-700 घरों में, 600 घर के करीब झंडा अब तक पहेगा और बाकी आज कंप्लीट हो जाएगा सब्जी का। चलिए देख, गांव बदरौला अपने लिए अपने आप में एक खासियत रखता है कि यहां पर निर्विरोध सरपंच बनाए जाते हैं हर बार ज़्यादातर, और जो सरपंच साहब बैठे हैं वो बिना किसी चुनाव के सरपंच बने हैं, क्योंकि पंचायती सरपंच आप कह सकते हैं एक तरीके से, पंचायत में चुन करके सीधा एक सरपंच बना दी गई, आपको नेतृत्व करना हमारे गाँव का, और उनके नेतृत्व में आज पूरे 15 अगस्त तक, 13 से 15 अगस्त तक जो है हर घर तिरंगा की बात उन्होंने कहा, लगभग ज़्यादातर गांव में सब जगह हमने पहुंचवा दिए और जो रह गए उस व्यक्ति तक, उस गांव के घर तक हम झंडा पहुंचवाने का हम सभी काम करते रहेंगे। तो आप सभी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।